भारत के साथ चांद पर उतरने की रेस में शामिल रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। भारत का की अगली परीक्षा 48 घंटे बाद है, यानी कि चंद्रयान 3 को जब चांद पर उतरना है। महज 48 घंटे बाद भारत रचेगा इतिहास। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। उससे पहले लैंडर में लगे हजार डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने चांद की उस सतह की तस्वीर भेजी है जो पृथ्वी से दूसरी तरफ है। ये साबित करता है कि लैंडर के कैमरे ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इसरो को अब 23 अगस्त के शाम 5:45 का इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां बड़ी हैं। पहली चुनौती है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना। पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे। तीसरी चुनौती है उसे उसी जगह पर उतारना जो इसरो ने चुन रखी है। पिछली बार ऊबड़ खाबड़ से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। चौथी चुनौती है पूरी कार्रवाई के दौरान उससे संपर्क को बनाए रखना। कहीं भी संपर्क टूटा तो मिशन फेल हो सकता है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। See, Chandrayaan 2 failed in the last phase of the mission to achieve a soft landing. So we understood what went wrong. There were many, many small reasons which cumulatively caused this failure. So we addressed all of them, corrected all of them. But then the crux is that this is not the only possibility that it can fail. There are many other possibilities. Anything can fail. So we addressed all such failure modes. ISRO ki ummeedein apni jagah hai. लेकिन चंद्रयान 3 से करीब एक महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया। उसे आज या कल में चांद पर उतरना था। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को झटका लगा। उसके लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चूंकि किसी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। अब सवाल यह है कि रूस का लूना 25 क्यों क्रैश कर गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के मुताबिक लूना 25 को चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में ले जाना था, लेकिन वो बेकाबू होकर उस ऑर्बिट से बाहर चला गया। दूसरी तरफ उसी दौरान इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 को डी बूस्टिंग के बाद कामयाबी से चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा दिया। यहां से चांद की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम 134 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि रूसी एजेंसी रोस्कोसमोस के कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिसके चलते लूना 25 से उनका संपर्क टूट गया और वो वैसे ही क्रैश हो गया जैसे 2019 में भारत का चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। इस नाकामी पर रूस की एजेंसी ने बयान जारी कर बताया, लैंडर गलत ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर चांद की सतह से टकराने के बाद उसका वजूद खत्म हो गया। अगर लूना 25 क्रैश नहीं होता तो आज या कल रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता था। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। करीब एक महीने बाद रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 को अंतरिक्ष में भेजा था। 47 साल पहले सोवियत संघ ने लूना 24 को अंतरिक्ष में भेजा था। रूस भी भारत की तरह ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर पानी और जीवन की तलाश करने वाला था। अगर रूस की नाकामी को पीछे छोड़ते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतार लिया तो भारत वो इतिहास रच देगा। अमेरिका, रूस और चीन के वैज्ञानिक भी चट्टानों और खाई वाले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्षयान नहीं उतार सके हैं। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहां 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर वहां पानी और वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। आज तक ब्यूरो। केवल 48 घंटे बाद
हमारे भारत का मिशन चंद्रयान 3 अपने सबसे निर्णायक दौर में होगा और अगर सफलता मिली, जो कि मिलेगी ही, तो भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने का इतिहास रच सकता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय चंद्रयान 3 की स्थिति क्या है और ये चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में है, जहां सबसे कम दूरी यानी कि सिर्फ 25 किलोमीटर और सबसे अधिक दूरी यानी कि 134 किलोमीटर। अब देखिए ये दो तारीख यहां पे लैंडर को चांद पर सूर्योदय का इंतजार है, जो कि 23 अगस्त को होगा। भारतीय समय के अनुसार 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरने की शुरुआत करेगा। सूर्योदय के इंतजार के बाद ये इंतजार करेगा और 6:04 पर चांद पर उतरने की संभावना है, यानी कि 6:04 चांद की सतह को छू लेगा हमारा लैंडर और ये इतिहास रचा जाएगा। तो चांद का दक्षिण ध्रुव बड़ी बड़ी चट्टानों और गड्ढों से भरा हुआ है। अब इस कारण से वहां पर अब तक किसी भी देश का अंतरिक्ष यान नहीं उतर पाया है। लूना 25 का आपने देखा ही है। लैंडर की रफ्तार पर नियंत्रण क्या क्या होगा, इसके अलावा भारत के सामने, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, वो आपको दिखाते हैं। अब डी बूस्टिंग के बाद इसरो ने लैंडर की रफ्तार कम कर दी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उसकी रफ्तार को बेहद कम करना होगा। इतना ही नहीं, उसे सीधा यानी कि अपने चारों पैरों पर उतरना होगा और इसके अलावा उसे तय जगह पर उतरना होगा जहां कोई चट्टान या खाई नहीं हो। इस दौरान लैंडर से संपर्क लगातार हमें बनाए रखना होगा और सॉफ्ट लैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि चांद की सतह पर धूल अधिक न उड़े और उसकी धूल से लैंडर के उपकरण सुरक्षित रहे, उन्हें नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ही रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतारा गया। तो देखिए ये बड़ी चुनौती अभी हमारे सामने, हमारे देश के सामने है और अब हम इंतजार सिर्फ उसी बात का कर रहे हैं कि कब हम इतिहास रचेंगे। अमिताभ पांडे जी और रमेश चंद्र कपूर जी दोनों हमारे साथ हैं। अमिताभ सर से हमारा संपर्क है। रमेश सर, एक बार फिर से बताइए, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे प्रश्न पूछें। सर, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? यस यस, ठीक है ठीक है। सर, ये जो चुनौतियां, जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है या आप सारा रास्ता साफ है, हम इतिहास रचने की तरफ बढ़ चुके हैं? ये आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि चुनौतियां बहुत रही हैं, उन सब चुनौतियों को तो हमने पार कर लिया और अब हम चांद के दरवाजे के सामने खड़े हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब द्वार खुलेगा जी। और रही बात जो तैयारी की, जो इसरो ने वाकई में इस बार बहुत शानदार तैयारी की है, जैसा कि मैं सोमनाथ जी को सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने जो है पूरा मेक श्योर किया है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और रिडंडेंसी भी रखी है, ताकि अगर एक सिस्टम जो है ठीक से काम ना करे तो एक अल्टरनेटिव हमारे सामने है जी। ताकि जो है जो उतार जो है वो निरापद रहे। दूसरे जो है, अब तक जो है काफी सारे सिस्टम्स जो हैं लैंडर रोवर के, वो टेस्ट हो गए, जैसा कि आपने जिस 20 तारीख को सवेरे जिस समय ये इसको नई डी बूस्टिंग करके जिसकी प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाला गया, यानी 25x134 किलोमीटर की ऑर्बिट में, तो उसके बाद से जो है ये और भी कुछ टेस्ट हुए और जैसे ट्रेजेक्ट्री की जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको रीसेट किया गया है, क्योंकि पहले जो हम पढ़ते थे कि भाई 30x100 किलोमीटर की कक्षा होगी, ये उसके मुकाबले थोड़ी ज्यादा चपटी है सर। और जो निकट बिंदु है वो चंद्रमा के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसरो के एल्गोरिथम में वो सब अलाउंस है, तो देखते हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई में बड़ी शानदार है, बड़ी ऊंचाई से ली गई हैं। इसरो ने अगर इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख दिए होते बहुत अच्छा था। मेरे अंदाज में जो है ये 60° नॉर्थ जो है उसके आसपास का इलाका है। ठीक है सर। अमिताभ सर, रूस का लूना 25 जिस तरह से फेल हुआ, हमें डरने की जरूरत है सर या नहीं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है इस मामले में। अभी पिछला हमारा चंद्रयान जो फेल हुआ था जी, उसके लास्ट मोमेंट में जो क्रिटिकल एरर आई थी, उसका सॉफ्टवेयर उनको करेक्शन नहीं कर पाया। उसको हम कह सकते हैं कि सीधा उतरने के टेढ़ा हो गया। एटीट्यूड की बात आ गई थी बीच में। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी स्पेस मिशन का ओरिएंटेशन क्या है, किस डायरेक्शन में मूव, उसका ओरिएंटेशन किधर है, मतलब उसका हेड किधर है, टेल किधर है, पैर किस तरफ है, तो वो करेक्शन जो है भी एरर हुई थी, उसके कारण से वो ओवरशूट कर गया था। इस बार निश्चित तौर पर सारे करेक्शन को, मतलब एक होता है कि सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एरर टॉलरेंस, तो सिस्टम के अंदर पहले से बेहतर बनाए गए हैं
और उन एरर्स को ओवरकम करने के लिए निश्चित तौर पे सक्सेसफुली लैंड कर पाएंगे हम।